वाह भाई साहब वाह, भारतीय नारी की ऊंची उड़ान, स्मृति मंदाना का घमासान, 100 रन वो भी रन चेस में न्यूजीलैंड के सामने, और बता दिया रोहित सेना को कि न्यूजीलैंड के सामने कैसे डट के खड़ा होना है, मेरी ये 100 रन की पारी आकर देख लो। मतलब वो ऐसी टीम थी, बंदा सोच भी नहीं था सकता कि यार इस टीम को कोई हरा सकता है। लिटरली बता रहा हूं, अब वो जो है ना, वो टीम इंडिया के पास है, अब वो पहचान टीम इंडिया के पास है। यार इनके लड़के देख लो, इनकी लड़कियां देख लो, ये इनके लड़के भी जबरदस्त हैं, इनकी लड़की देखो, इंडिया के लड़के जबरदस्त हैं। और मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है ना, वो सबसे अच्छी बात ये लगती है कि बीसीसीआई ने लड़कों के साथ साथ जो लड़कियों को फैसिलिटीज दी है ना, पता है, चाहे आप उनको बिजनेस वुमन में देख लो, एंटरप्रेन्योरशिप में देख लो, क्रिकेट के अंदर भी बात कर लो, भाई ये औरतें कहीं भी पीछे नहीं रह रही हैं। आज भी स्मृति की बात करते हैं, एक तो रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया भाई उन्होंने, एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो जिस तरह से आज उन्होंने सेंचुरी की, वो भी कम न्यूजीलैंड ने की, वोमेन लड़कियों ने, वोमेन टीम ने 233 रन का टारगेट दिया, भारतीय नारियां छा गई। हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंदाना का जलवा, न्यूजीलैंड की वेमेन्स टीम का बन गया हलवा। 2-1 से वनडे सीरीज भारतीय नारियों ने जीत ली। स्मृति मंदाना चेस मास्टर विराट कोहली बनी हुई है भाई, आज उसने चेसिंग में 100 लगा दिया है, इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। स्मृति मंदाना अभी तक इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा 100 बनाने वाली बैट्समैन बन चुकी है। इससे पहले मिथाली राज के 211 इनिंग में 700 थे, और आज स्मृति मंदाना ने अपने करियर का 8वां 100 लगाकर वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सिर्फ 88 इनिंग में मिथाली राज के पास 700 थे 211 इनिंग में, और जो है कि मंदाना ने 88 इनिंग में 8वां 100 लगाकर वो रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। एक तरफ इंडिया से चेस मास्टर कोहली, और दूसरी तरफ जो है कि भारत से ये भारत की नारी स्मृति मंदाना भी, स्मृति विराट मंदाना कोहली बनी हुई है ये। आज इसने 100 रन बनाए हैं न्यूजीलैंड के सामने, वो भी रन चेस में 2-1 से अपनी टीम को कप्तान ने और स्मृति मंदाना ने मिलकर। हालांकि वेमेन क्रिकेट जो होती है ना, उनमें ये 232-233 रन का जो टारगेट है ये बहुत बड़ा होता है, लड़कियों से इतना आसानी चेस नहीं होता। लेकिन स्मृति मंदाना ने कहा कि भाई हम लड़कियां थोड़ी है, हम तो जहाज हैं, हम तो ऊंची उड़ान वाले परिंदे हैं, हम तो चील हैं, हाँ, और हम इस टारगेट को चेस करना अच्छी तरह जानती है। तो कप्तान नॉट आउट आई है, स्मृति मंदाना ने 100 रन बनाकर वो आउट हो गई, लेकिन मैच इंडिया जीत चुका था, उसके बाद अगर वो आउट हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, एक और, स्मृति मंदाना ने आज अपना 35वां 50 प्लस स्कोर बनाया, पता है 35वां 50 प्लस स्कोर, जिसमें जो है कि 27 हाफ सेंचुरी है और जो है कि 8 सेंचुरियां हैं। अब 88 इनिंग में 88 इनिंग में 35 इसके जो है कि 50 प्लस स्कोर है। 35 और 35 को हम अगर एक साथ मिलाएं तो ये 70 बनता है, ठीक है। मतलब हर 2.5-2 इनिंग के बाद स्मृति मंदाना का वनडे क्रिकेट में 50 प्लस स्कोर आ रहा है। तो 35 50 प्लस स्कोर इसने बनाए हैं, उसमें 20 50 प्लस स्कोर इसके रनचेस में है। मतलब इंडिया की तरफ से ये सफल बैट्समैन है, और जो है कि बड़ी रिकॉर्ड रखने वाली ये लड़की है। 35 50 प्लस स्कोर में से 20 50 प्लस स्कोर स्मृति मंदाना का सिर्फ रनचेस में है, जिसमें 17 50 हैं और 300 है। बताओ, ये आज उसने तीसरा 100 लगाया है। ये तो भाई पहले उसने वेस्ट इंडीज के खिलाफ लगाया था रनचेस में 100, फिर अभी साउथ अफ्रीका की वुमेन टीम कुछ महीने पहले आई थी इंडिया में, तब इसने, याद है वो टेस्ट क्रिकेट में भी 100 जड़ा था। तब उनको भी प्रॉपर फैसिलिटेट किया है, उनको भी प्रॉपर उतनी सहूलतें दी हैं, और वो भी उतने ही पैसे कमाती हैं। मतलब रिस्पेक्ट, वुमेन्स की रिस्पेक्ट करना अगर कोई करना, तो भाई वो बीसीसीआई इस्तेमाल किया है। दीप्ति की बात करेंगे, 3 विकेट उन्होंने निकाली, इंडियन टीम औरतों को क्या खिला खिला कर भेज रहे हैं आजकल। जी बिल्कुल, देखा जाए तो जिस तरीके से आपने देखा होना है कि स्मृति मंदाना पकड़ी नहीं जा रही, वो रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स अपने नाम करती जा रही है। उसके बाद में बात करूँ कौर की, तो कौर तो वो तो एक पहाड़ है क्रिकेट में, वो तो एक अलग लेवल पे चली गई है, अलग ही लेवल पे ये क्रिकेट खेल रहे हैं इंडियन वुमेन्स। आप देख लें, उनके ऊपर डोमेस्टिक भी क्रिकेट खेली जाती है वुमेन्स की, उनका लीग भी करवाई जाती है, बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं इंडिया में वुमेन्स क्रिकेट को। हमारे इधर उसके बरक्स हम बात करेंगे, हमारे इधर वो लेवल के क्रिकेट नहीं मिलती वुमेन्स को, तो वो कर सकती हैं, इंडियन वुमेन्स कर सकती हैं। बकाया मुझे नहीं लगता कि एशिया की इस टाइम सबसे बेहतर टीम है
एशिया की सबसे बेहतरीन टीम होने के बावजूद देखें आप इतने इतने रिकॉर्ड्स बना रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जैसी बड़ी बड़ी टीमों के साथ मुकाबला कर रहे हैं। वो एशिया की बेहतरीन टीम्स डेफिनेटली सी बात है, कभी पाकिस्तान इंडिया हुआ करते थे, आजकल इंडिया और अफगानिस्तान नजर आ रहे हैं। सेकेंडली स्मृति ने जो रिकॉर्ड बिल्ड किया है भाई 35 कह लेंगे 50 उनकी नजर आई है 88 इनिंग्स के अंदर, मतलब भाई ये विराट कोहली है, ये वुमेन्स की रियल गॉड है भाई, रियल गॉड है। 88 इनिंग्स में 35 हाफ सेंचुरीज करना किसी की बस की बात नहीं है। आप ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, एक हिसाब से अपने आप में बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये स्मृति मंदाना ही जैसी लड़की कर सकती है, बकाया कोई किसी की औकात नहीं है करना। एलेक्स पेरी देख लें, बड़े बड़े नाम है, केर देख लें, इतने बड़े बड़े नाम क्रिकेट के आते हैं, लेकिन उनके उन्होंने इस तरह का कारनामा जो है सर अंजाम नहीं दिया, स्मृति ने दे दिया है। ये हमारे हम सब एशियंस के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट का है। एशियन वुमेंस भी इतना इतने आगे तक जा सकती है और इतने बड़े लेवल में जाके इतना कमाल के परफॉर्मेंस कर सकती हैं। अगर ये 3-4 साल और खेलती हैं, मुझे लगता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाएंगी, कभी भी ब्रेक ना होने वाले ऐसे रिकॉर्ड बनाएगी स्मृति। मुझे लगता है कि जहां पर विराट कोहली का एक हमें वैक्स स्टैचू नजर आता है ना, वहां पर साथ में स्मृति को भी लगा देना चाहिए, क्योंकि अच्छी खासी विराट कोहली की लाइनअप पे हमें नजर आती है। बिल्कुल विराट कोहली के फुटस्टेप्स पे चल रही है इस टाइम 110%। ये वुमेन्स वर्जन विराट कोहली है भाई, इसने साबित भी किया है। जिस तरीके से आपने देखा ना स्मृति मंदाना, दुनिया की जिस मर्जी कंडीशन में उसको खिला दो वो जाके परफॉर्मेंस कर देती हैं। ऑस्ट्रेलिया में रन्स इसके बैट से निकलते हैं, न्यूजीलैंड में जाओ, इंग्लैंड में जाओ, इंडिया में आओ, कहीं भी आप लेके जाओ इस लड़की को, इसने परफॉर्मेंस देना ही देना होता है। बहुत मतलब विराट कोहली की तरह बड़े मैच की प्लेयर है। बॉलिंग लाइनअप आज कैसी लगी आपको दीप्ति की बात करते हैं भाई, 3 विकेट उन्होंने निकाली है, साथ में रेनिका ने साथ दे दिया, प्रिया ने साथ दे दिया। दीप्ति की अगर मैं बात करूं, दीप्ति भी सेम है, देखें ऑलराउंड परफॉर्मेंस करती हैं वो, बुमराह तो नहीं कहने वाले, ये वुमेन्स के बुमराह कह दो इसको, ठीक है बुमराह कह लो। उसके बाद शिफाली वर्मा, आउटस्टैंडिंग इंडियन वुमेन्स की, मुझे लगता है कि ये वुमेन्स किसी छोटी टीम के मेंस के साथ खिला दो, इंडियन वुमेन्स जीत जाएंगे उनसे भी। तो हम भी इंतजार कर रहे हैं कि बायलैटरल सीरीज हो इंडियन वुमेन की भी पाकिस्तानी वुमेन के साथ और इंडियन मैन की पाकिस्तानी मैन के साथ। बिल्कुल होना चाहिए, ये सीरीज तो पाकिस्तान और इंडिया की बंद हुई पड़ी है, ये सीरीज होनी चाहिए पाकिस्तान और इंडिया, वुमेन्स हो चाहे मेंस हो। देखें सिर्फ क्रिकेट ही बंद है, बकाया हर स्पोर्ट्स पाकिस्तान और इंडिया खेल लेता है, सिर्फ क्रिकेट में पाबंदी है। पता नहीं क्रिकेट फैंस को क्या गुनाह किया है जो कि क्रिकेट बंद है आपस में, और दोनों मुल्कों में चाहने वाले भी ज्यादा हैं क्रिकेट के, तो हमें चाहिए कि क्रिकेट को बहाल करें इंडिया पाकिस्तान की जो सीरीज के बाद वनडे सीरीज हुई उसमें जो है कि पहले वनडे मैच में स्मृति मंदाना ने 91 रन किए थे, दूसरे वनडे में 100 लगाया था, तीसरे वनडे में 100 लगाया था, तो वहां पे जो 200 थे वहां पे स्मृति मंदाना का एक रन चेस का 100 था। तो मैंने इसके तीनों 100 लाइव देखे हैं भाई, लाइव देखे हैं इसके तीनों 100 रन चेस के। पिछली वनडे सीरीज थी साउथ अफ्रीका से, इन्होंने क्लीन स्वीप किया, उसमें स्मृति मंदाना 9 रन से चूक गई, अगर वो 9 रन बन जाते तो हैट्रिक हो जाती वनडे क्रिकेट में, लड़कियों की तरफ से पहली हैट्रिक बनाने वाली स्मृति मंदाना बन जाती। और आज उसने न्यूजीलैंड के सामने एक जबरदस्त इनिंग खेलकर 10 चौकों की मदद से 122 बॉल खेलकर जो है कि उसने पूरे 100 रन बनाए, 10 चौकों का स्कोर बनता है 40, बाकी उसने 60 रन बनाए हैं भाग के, रनिंग करके। तो ये विराट कोहली हुआ ना भाई, विराट कोहली आपको पता है कि चौके छक्के मैच में आता है, कम मारता है, वो ज्यादा भागता है, क्योंकि विराट की फिटनेस है। दूसरे खिलाड़ी पता है क्या करते हैं, छक्का भी मारते हैं चौका भी मारते हैं, लेकिन सिंगल डबल में इंटरेस्ट नहीं रखते ज्यादा, सिंगल ले लेते डबल नहीं लेते, ठीक है। लेकिन कोहली छक्के भी मार रहा होता है चौके भी मार रहा होता है, लेकिन वो जहां सिंगल निकलती है वहां डबल होती है, जहां डबल बनती है वहां पे वो ट्रिपल करने की कोशिश करता है, तो उसकी फिटनेस का लेवल ही अपना है भाई। स्मृति मंदाना को देखो, ये भी एक किस्म की कोहली बनी हुई है, 100 रन बनाए हैं जिसमें 40 रन चौकों के हैं और जो है के बाउंड्रीज के हैं, 60 रन इसने सिंगल डबल के बना लिए। अच्छा, न्यूजीलैंड के इंटरनेशनल टीम जो है बॉयज टीम, वो भी इंडिया में है, आपको पता है उन्होंने इंडिया के सारे परकच्छे उड़ा के रख दिए हैं, 2-0 से सीरीज अपने नाम कर लिया, वो भी बुरी तरह। इंडिया ए को, इंडिया इंटरनेशनल को 46 पे ऑल आउट किया, 5-0-1 ही इनिंग में देखने को मिले, फिर 156 पे ऑल आउट किया, और फिर जो है कि आखिरी इनिंग में 245 पे ऑल आउट किया, 356 रन की लीड इनको अलग से मिली। तो बहुत सारे हादसे हुए इंडिया की इंटरनेशनल टीम के साथ। कोहली बायलैटरल सीरीज होती है वो बहाल करनी चाहिए।
इंडियन वुमेन वर्सेस न्यूजीलैंड वुमेन थर्ड ओडीआई के अंदर जिस तरह से इंडियन वुमेन ने मैच हथियाया, सीरीज अपने नाम कर ली 2-1 से, स्मृति मंदाना भाई मैन ऑफ द मैच स्पेशली अगर कहा जाए, एंड सेकेंडली क्या इनिंग खेली है, चाहे डबल फिगर खेले या ट्रिपल खेले, भाई विराट कोहली को पीछे छोड़ देती है, आखिरकार इसमें से विराट कोहली की रूह तो नहीं आ जाती जब भी बैटिंग लाइनअप पे आती है। एंड बॉलिंग लाइनअप में भी आप देख ले, दीप्ति ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 3 विकेट निकाली है, रेणुका है, प्रिया है, मतलब के बॉलिंग लाइनअप मर्दों से कम नहीं है ये छोरियां। देखें विराट कोहली नहीं चला, लेकिन स्मृति ने कहा नंबर 18 का नाम नहीं डूबने दूंगी, आप नहीं चल रहे तो कोई बात नहीं, लड़कियों से चल जाते हैं भाई, आज लड़कियों ने लड़कों का बदला लिया है। और मजा आया बैटिंग देखिए, आप देखिए स्मृति ने जहां सिंगल करना था सिंगल किया, जहां बाउंड्री लेनी थी बाउंड्री मिली। अब जो इंडिया के मेन टीम नहीं कर सकी वो वुमेन टीम ने करके दिखाया, वुमेन टीम ने यहाँ पर न्यूजीलैंड को हराकर बदला ले लिया। यहाँ पर मेन टीम ने जो लगातार 2 टेस्ट हारे थे उसका बदला वुमेन टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर ले लिया। तो यहाँ इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का जो कहना था आपने सुन लिया, अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताए, ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।